कहते हैं जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो उसका क्या हो। पुलिस का नारा है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, किंतु जब पुलिस या खाकी अपराधियों के साथ मिलीभगत कर उन्हें बचाने लगे तो अपराध पर लगाम लगाना नामुमकिन ही होगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जयपुर घूमने आए एक जापानी पर्यटक से डेढ़ साल पहले 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पर्यटक से ठगी करने वाले बदमाशों से मिलीभगत कर 7 लाख रुपए लेकर जांच बंद करने वाले 2 पुलिस कर्मी हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को विधायकपुरी पुलिस थाने में 7 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कमिश्नर पुलिस का जहां पर विधायकपुरी थाना अंतर्गत विदेशी यानी जापान के एक टूर से 31 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को संबंधित पुलिस थाने यानी विधायकपुरी थाने के ही 2 पुलिस कर्मियों ने लाखों रुपए लेकर बचाने की कोशिश की। विदेशी पर्यटक से 31 लाख रुपए की ठगी करने मामले में पकड़े गए दोनों पुलिस कर्मियों ने पूछताछ में नए खुलासे किए हैं। विधायकपुरी थाने में बैठकर ही दोनों पुलिस कर्मियों ने 7 लाख रुपए की वसूली की थी, फिर विदेशी पर्यटक के परिवार की 3 महीने में जांच बंद कर दी। पुलिस कर्मियों ने बचने के लिए दोबारा शिकायत दर्ज होते ही आरोपियों को बताकर भगाने की कोशिश की। पकड़े जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों का नाम नहीं लेने के लिए कहा। DCP साउथ दिंगत आनंद के अनुसार जापान का टूरिस्ट सासो ताकेशी दिसंबर 2022 में जयपुर घूमने आया था। इस दौरान उससे 31 लाख रुपए ठग लिए गए थे। लूट के आरोपी असगर और उसके साथियों ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ड्रग्स केस में जेल भेजने की धमकी दी थी, फिर रुपये ठगे गए। अगस्त 2023 विदेशी टूरिस्ट सासो ताकेशी के ईमेल के जरिए शिकायत की, इसके बाद विधायकपुरी थाने में परिवाद दर्ज हुआ। विदेशी परिवार की जांच हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह को सौंपी गई। विदेश से आए परिवार को देखकर जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सत्येंद्र को पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने साथी कांस्टेबल राजकुमार के साथ मिलकर रुपए वसूलने की प्लानिंग बनाई। प्लान के तहत 27 अगस्त 2023 को हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने आरोपी असगर को व्हाट्सएप कॉल भी किया, जिसमें पुलिसकर्मी ने आरोपियों से रुपयों के लेन देन की बात की। 27 अगस्त को आरोपी असगर अपने दोस्त अब्बास के साथ विधायकपुरी थाने पहुंचा। मेन गेट पर हेड कांस्टेबल सत्येंद्र के मिलने पर वह उसे थाने में एक बने एक कमरे में ले गया। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने अपने साथी पुलिस कांस्टेबल राजकुमार से दोनों को मिलवाया। आरोपी असगर और हेड कांस्टेबल सत्येंद्र के बीच व्हाट्सएप कॉल पर अगले दिन आने की बात हुई। असगर बोला, आपके पास कल शाम तक पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन असगर अपने साथी अब्बास के साथ विधायकपुरी थाने पहुंचा। थाने में बने उसी रूम में हेड कांस्टेबल सत्येंद्र और कांस्टेबल राजकुमार मिले। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र के सामने कांस्टेबल राजकुमार को 4.5 लाख रुपए कैश दिए। करीब 1 महीने बाद अब्बास के साथ दूसरे साथी मुबारक ने विधायकपुरी थाने भेजा। अब्बास और मुबारक विधायकपुरी थाने में कांस्टेबल राजकुमार से मिले। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र के नहीं होने पर कांस्टेबल राजकुमार को 1 लाख रुपए देकर आ गए थे। 8 दिसंबर 2023 को विधायकपुरी थाने जाने पर हेड कांस्टेबल सत्येंद्र नहीं मिले। थाने के रूम में बैठे कांस्टेबल राजकुमार को 1.5 लाख रुपए दिए। करीब 3 महीने में 7 लाख रुपए वसूलने के बाद जांच को बंद कर दिया गया। दोनों पुलिसकर्मियों ने वसूले गए रुपए आपस में बांट लिए। 28 मार्च 2024 को विदेशी पर्यटक सासो ताकेशी ने पर्यटक थाने में उसके साथी और उसके साथ ठगी की शिकायत भेजी। पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ के आदेश पर दोबारा जांच के लिए परिवाद दर्ज किया गया। विदेशी परिवाद के दोबारा दर्ज होने पर पता चला कि अगले दिन हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने आरोपी असगर को व्हाट्सएप कॉल किया और बोला कि ज्योति नगर थाने आकर मेरे से मिलो। हेड कांस्टेबल सत्येंद्र के बुलाने पर आरोपी असगर, अब्बास और मुबारक तीनों मिलने के लिए ज्योति नगर थाने पहुंचे। थाने के सामने चाय की होटल पर हेड कांस्टेबल सत्येंद्र उन्हें ले गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हेड कांस्टेबल सत्येंद्र ने बचने के लिए रुपए लौटाने का आश्वासन भी दिया। सत्येंद्र परिवार के दोबारा खुलने का डर दिखाकर आरोपियों को भगाना चाहता था। वह चाहता था कि किसी भी तरह से एक बार शांति होने पर वह मामले को सटल कर देगा, लेकिन पुलिस की जो कारगुजारी थी वह सामने आ पाई। पुलिस कमिश्नर जॉर्ज विशु जोसफ के आदेश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। विदेशी पर्यटक के ठगी करने वाले तीनों बदमाश असगर खान, शरीफ बैग और कयूम को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की धरपकड़ को देखकर बाकी आरोपी फरार हो गए। पुलिस कमिश्नर विजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर की छवि खराब नहीं हो इसलिए तुरंत एक्शन लिया गया। जापानी पर्यटक सासो ताकेशी के एम्बेसी के जरिए दोबारा शिकायत मिली थी। पहले की गई कार्रवाई को लेकर हेड कांस्टेबल सत्येंद्र को बुलाया गया था। हेड कांस्टेबल मामले में पर्दा डालकर झूठ बोलकर निकल गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हेड कांस्टेबल सत्येंद्र और कांस्टेबल राजकुमार की भूमिका सामने आने पर 7 अप्रैल को अरेस्ट किया गया। आरोपी दोनों पुलिसकर्मियों से पूछताछ करने पर उन्हें परिवाद जांच बंद करने की एवज में 7 लाख रुपए वसूलना कबूल किया है। इस पूरे मामले में सबसे शर्म की बात तो यह है कि जापानी टूरिस्ट को लूटने वाले बदमाशों को पुलिस वालों ने छोड़ा। वे दोनों पुलिसकर्मी उसी थाने में तैनात यानी विधायकपुरी थाने में तैनात थे। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को
पुलिसकर्मी को उसी थाने में बंद कर दिया है।